हेलो। हाँ जी दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि तुम ठीक ठाक होगे। जो कि बरसाती मौसम चल रहा है, काफ़ी जगह फ्लड वगैरह आ चुकी है। बरसाती काफ़ी बरसात के कारण काफ़ी नुकसान हो चुके हैं किसानों का। तो क्योंकि बरसात के अगे किसी का जोर नहीं है, उस मौसम के हालात, कुछ नदियां नालियां चो पानी दे उफार काफ़ी बढ़ चुके हैं। कई दे फसलां वगैरह, घर वगैरह तबाह हो चुके हैं। हाँ जी, ते आज जो टॉपिक अपना किसानों वास्ते कि किसानों ने जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण करवा लिया है या करवाना है, तो आपका कुरबान जी, तो उसके बारे होर एक जानकारी देनी है जो कि अज की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा करवा रहे हैं या करवाना है, वो आपका सही तो दुरुस्त भरना। क्योंकि एक प्रकार की वेरीफिकेशन ही होंगी सरकार वालों, कई किसानों के 2-2 हज़ार रुपये की आ नहीं रहे, उस दिक्कत आ जाती है। तुसी आपका मेरी फसल मेरा ब्यौरा अगर करवाओ, उन सही तो दुरुस्त आपका कराया करो जी, कि कल थोनू मंडी के फसल वेचन लग्या कोई दिक्कत ना आए, कोई दिक्कत ना आए। मंडी के अगर तुम फसल लेके जाते हो तो थोनू कल कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि वेचन लग्या भी थोड़ा सही तो दुरुस्त भरया होगा, अकाउंट नंबर सही दिता होगा, मंडी RTA का नाम सही दिता होगा, तो थोड़ी कोई दिक्कत नहीं आनी वेचन लग्या। तो इस तरह कि किसान परेशान होने तो बच सकता है किसान। अज की ये थोड़ी जानकारी, जे थोड़ी वीडियो वधिया लगे इन ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो, तो साडे चैनल में सपोर्ट करो जी। ते एक छोटा जिहा सुझाव कि बरसाती मौसम चल रहा है, तो तुसी आपके बरसाती इलाकों से जाने को परहेज करो जी, ज़्यादा तो ज़्यादा परहेज करो। ये साडे थोड़ा जिहा तुहानू एक जानकारी दी गई है, तो वीडियो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो जी, साडे चैनल में पेज में फॉलो करो।